सो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते एंड नमन। तो कैसे हैं गाइस? मैं ऑलरेडी ऑन माय वर्क, सो अभी मैं अपना लैपटॉप को अनलॉक करके स्टार्ट करूंगा अपना थोड़ा सा काम, क्योंकि आज का जो दिन रहेगा उसमें मेरे पास थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी कॉल्स करनी है कस्टमर्स को, फिर उसके बाद मेरी एक मीटिंग है जो कि एक क्लाइंट मीटिंग है। फिर सो लेट्स सी कि कैसी रहेगी वो मीटिंग। बाकी आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो भाई बारिश हो रही थी बहुत तेज, मतलब नोएडा में बारिश जब होती है ना तो यार बहुत सही मौसम रखा होता है। एंड मेरी वाइफ भी ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी है, उसको मैं जब छोड़ने गया था तो पूरी बारिश थी। पहले हम प्लान कर रहे थे कि मैं बाइक से छोड़ के आऊँगा उसको, बट जैसे ही बारिश दिखी तो भाई हमने प्लान चेंज करके उसको मैं फिर गाड़ी में छोड़ कर आया। बाइक पे इसलिए प्रीफर करता हूँ कि यार नोएडा NCR में ना मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है, एंड सुबह सुबह जब ऑफिस टाइमिंग होता है ना, मतलब 8-8:30 बजे के अराउंड, तो उस टाइम तो इतनी भीड़ होती है ना, बिकॉज हर कोई इतने रश में होता है अपने ऑफिस जाने के लिए कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन कैसी गाड़ी चला रहा है, बस उनको जगह चाहिए होती है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट 12 इन द आफ्टरनून एंड अभी टाइम हो चुका है, तो मैंने बना लिए अपने ओट्स। तो इसमें मैंने डाले हैं 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 250 ml ऑफ मिल्क प्लस ब्राउन शुगर। तो क्या हाल है? सो गाइस फाइनली मीटिंग इज ओवर एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे, क्योंकि मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी। कभी कभी मिलते हैं भाई ऐसे क्लाइंट ना, मतलब जहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कर पाते हो। क्या होता है कि यार आप ना क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हो और क्लाइंट जो है वो आपके साथ, गाइस एक मिनट कॉल आ रहा है एक, ठीक है। हाँ मैं था क्लाइंट मीटिंग स्पेस। भाई कभी कभी रहता है ऐसा कि कभी कभी ना बहुत अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं जिनके साथ आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर पाते हो, वरना यार क्लाइंट ना पता कैसे होते हैं, मतलब आप बोलते कुछ और हो, वो समझते कुछ और है, और फिर वो बात कुछ और करते हैं। ऐसे क्लाइंट के साथ बैठ के ना मज़ा नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और भाई मेरा काम है सेल्स का, मैं डे टू डे क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ उठता हूँ बैठता हूँ, चीज़ें समझता हूँ सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें। यार फिर फ़ोन आ गया गाइस, मैं आपसे ना घर पहुँच के सीधा बात करता। तो फाइनली भाई घर पहुंच गए थे इतने बड़े ट्रैफिक के बाद, अभी घर आ गए हैं और घर आके दोबारा से लैपटॉप खोल लिया है, क्योंकि 2-3 मेल्स आ गई हैं इंपॉर्टेंट जो करनी है कस्टमर को और अपने पार्टनर्स को। एंड साथ में मैं पी रहा हूँ अपना प्री वर्कआउट का शेक, तो मैंने इसमें बनाना शेक बनाया है एंड तो वही 250 ml दूध। तो भाई दूध इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आता है बढ़िया, हड्डियाँ आपकी स्ट्रांग होती हैं, आपको ताकत मिलती है। सो आज का दिन अच्छा था, मतलब मैं आप वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि कभी कभी कस्टमर्स ना अच्छे मिल जाते हैं यार, क्योंकि कभी कभी जो कस्टमर्स होते हैं ना वो इतने क्वेश्चंस करते हैं और फालतू के क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब आपको खुद लगता है कि यार इसको खरीदना भी है कि नहीं खरीदना, मतलब आपको वहीं समझ आ जाता है कि भाई ये खरीदेगा नहीं है, सिर्फ टाइम पास मार रहा है। बट आज वाला जो कस्टमर था ना भाई, उसने नॉलेजेबल था, उसने हर चीज़ पूछी, उसको मतलब एक अंदर से उसके अंदर ना वो चीज़ें आ रही थी कि मैं उसको पूछता हूँ यार, ताकि अगर जब तक मैं क्लियर नहीं होऊंगा मैं खरीदूंगा कैसे, क्योंकि यार एक एंड कंज्यूमर इतना नहीं सोचता, मतलब एक इंडिविजुअल इतना नहीं समझता सोचता खरीदते हुए जितना एक कंपनी सोचती है एक प्रोडक्ट को लेने से पहले। तो भाई यही था पूरा एजेंडा मतलब उस मीटिंग का। बट मैं मतलब इतनी डीप में आपको क्या बताऊँ यार, आप भी कहोगे बोर कर रहा हूँ। सो मीटिंग वॉज गुड। अब थोड़ा सा मैं अपना ना ये मेलबाजी करता हूँ, इतने में अपना प्री वर्कआउट टाइप भी ले लूँगा, फिर उसके बाद अभी 1.5 घंटे बाद मैं चले जाऊँगा जिम। सो बहुत सारे काम होते हैं यार जब आप अकेले रह रहे होते हो ना बाहर शहर में, सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ रही होती हैं। उसका एक बेनिफिट भी है कि यार आप ना एक अच्छे मैनेजर बन जाते हो, चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, उसकी तरह नहीं जो वहाँ बैठी है देखो लेटी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो वो देखो, दिखी आई और पड़ गई, उसकी बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज। वसंत कुंज से आते हो गाइस? आज वसंत कुंज से आइए, लेकिन आज अपनी एक कलीग के साथ आइए गाड़ी में बैठ के आराम से, कहीं इसने चली नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है, सब आराम से आ जाइए, बैठो यहाँ आओ बात करो। अच्छा मेरा व्लॉग देखो, मतलब आप बहाने देख रहे हो, मैंने इसको बोला मेरा व्लॉग देखो तो वहाँ बैठ गई। सो गाइस फाइनली रेडी हो गए हैं जिम के लिए, अपना जो काम था वो तो निपट गया था, चलोगी नया जिम? हाँ तुम जिम नहीं चल रही क्या? ये तो भगवान ही गाने सुन रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे।
बट एनीवेज चलो फ्लावर ग्लव्स व्लव्स पहनते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं और चलते हैं जिम। ये बन रही डोलो के साथ फुल। मारो मारो और मारो। मुझे लग रहा रात का अभी तक है। लड़की भैया बहुत मेहनत करे, इतना टेस्टी खाना मत बनाया करो नेहा, इतना टेस्टी खाना मत बनाया करो, मैं पागल हो जाऊंगा। ले भाई क्या डालेगी ये, क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। क्या डाल रहा है? सीक्रेट मसाला, नेहा का सीक्रेट मसाला ये है? आज पूरे कड़छी की आवाज गूंज रखी नेहा पूरे यहाँ पे, कट कट क्या तेरी, मेरी गलती निकाल दी इसमें भी। एट दी एंड शादीशुदा जिंदगी की यही कहानी, एक मियाँ एक बीवी, नहीं हाँ एक मियाँ और एक बीवी। तो कीड़े वीड़े तो नहीं है इनमें? मैंने सुना है कि बरसात के टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स में काफी कीड़े रहते हैं। अरे वो सब कुछ डाल देती है क्या डंडी डुंडी? आज बन रहा है बैंगन आलू की सब्जी। ठीक है दिखा देंगे जी, दिखा देंगे। आप बताओ और क्या हाल हो रहे हैं? मैं आपको दिखा रहा इसमें और क्या देख रहा, व्लॉग में आओगे आप मेरे? अरे पागल है क्या, देख तू देख कैसे बैठी है मैं। तो और क्या तैयार होके बैठोगे और क्या? हाँ अभी जिम से होके आया हूँ, एक हफ्ते जब से जिम के वो मतलब जब से वो जिम का वो हुआ ना एक ब्रेक, अभी थोड़ा टाइम लगेगा जिम में वापस से ना उसी फॉर्म में आने में। अरे मम्मी अनकंफर्टेबल नहीं हो रही? मम्मी को नहीं पता चल रहा कुछ? क्या? नेहा कह रही है कि अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, हटा लो इस फोन को। मैं? नहीं नेहा तो कह रही थी कि मेरे को फुल बॉडी टेस्ट करवाना है। नहीं मैं एक साल में एक बार करवाया था भाई। हाँ जी सेजल कहाँ है? बर्थडे आने वाला है। सही पड़ी है। हाँ। आज कहीं भी नहीं मैं ना आ गए। शासन देना तो 700 रुपए का। मिनी सो पे भी ऐसा ही है मम्मी, मिनी सो के भी बहुत अच्छे हैं, वो भी 500 550 600 ऐसे ही है। नहीं मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने पहले ये ऑनलाइन वाला ट्राई करती हूँ तो ठीक है, अंदर फॉइल लगा होता है ना इसमें। मेरे को तो अपनी ये वाली बालकनी बहुत बढ़िया लग रही है, देखो मम्मी पूरी भर रख मस्त आ रखा है पूरा समय। बस मेरे को एक ही डर है कि ये जो एरिका पाम है ना ये सही रहे, ये मुरझा ना जाए यहाँ पे, बस यहाँ की पता नहीं हवा में क्या दिक्कत है। नजारे ले रहा है, बारिश हुई थी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था तो इसलिए कुछ अलग बालकनी में बैठा। बन गया खाना, तो गाइस फूड इज रेडी। आज बैंगन की सब्जी, रोटी, देखो आज इतना सारा सैलेड है और हमारी मैडम रात को खा रही है चावल। आज एक सबसे बढ़िया तगड़ी चीज़ दिखाऊं, ये है मट्ठा, देखो रुको दिखाता हूँ, ये है गाइस मट्ठा। और ये जो मट्ठा है ना ये प्योर दूध, जो गांव में दूध निकलता है ना उसका मट्ठा है, और इतना गाढ़ा मट्ठा है ना ये कि मतलब आज फुल बढ़िया नींद आएगी। क्यों? बट खाना बहुत टेस्टी बनाने लगी है भाई, ये मजेदार। यार मेरे से तो पूछ लिया करो। अरे गाइस गोल गोल चपाती, बिल्कुल गोल बनाने लगी तू।
मैं पहले से गोल बनाने लग गई। बढ़िया। एक गस्सा सब्जी के साथ और साथ में ले लो एक सिप। ओए होए होए मानसी भाभी, अगर आप देख रहे हो ना, मट्ठे ने जान ला दी खाने में। आंटी को थैंक यू बहुत बड़ा। लड्डू भूल गए हम, बट मैं तो खा लिया था, मैं तो खा के आया था घर से। मैंने तो देखो लड्डू खा लिए थे भाई, हलवा भी खाया था हमने तो। गाँव का मैंने देसी दूध पिया भाई। वो देसी दूध पीने के बाद जो मुझे नींद आई ना, मतलब गाड़ी नहीं चल पा रही थी भाई उस दिन, मतलब नशे से कर दिए थे उस दूध ने, प्योर दूध। क्योंकि उनके घर में ना गायें बंधी हुई हैं और वो वहीं से ही गाय का दूध निकालते हैं और वो खुद ही पीते हैं। और भाई दूध एक नंबर, मतलब उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, कोई मिक्सिंग नहीं थी। जैसा जैसे ही निकला बस वैसा दूध गर्म होके उबाल के मेरे को लेकर आए वो, और मैंने पिया। वो तो दो ग्लास लेकर आए थे भाई, लेकिन एक ग्लास में ही पेट ऐसा हो गया था ना, हालत टाइट, और फिर नशे हो गए। शानू को फुल जाटो स्टाइल में हलवा और दूध दिया गया। पहलवान बना, पहलवान बना रहे थे उस दिन मेरे को, फुल पावर। तो वहाँ से अभी थैंक यू आपकी मम्मी को। एक नंबर लड्डू थे, एक नंबर हलवा था, दूध तो एक नंबर ही था, और आज ये मट्ठा पी रहा हूँ एक नंबर। तो भाई टाइम हो गया सोने का, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 in the night। ये कह रही मैं सो गई, ये हंस रही है, कह रही आप तुम ना व्लॉग ऐसे एंड करना कि उनको ब्लॉग में बोलना कि मेरी ना गाइस वाइफ सो गई है एंड इट्स टाइम टू स्लीप, सो सी यू इन अनदर ब्लॉग, बाय बाय। ऐसे कोई व्लॉग एंड होता है? बट एनीवेज टाइम हो गया सोने का गाइस, सी यू। क्या नहीं बताया? अच्छा तुम बताओ लोग आओ। अरे यार नहीं 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 मुझे आने नहीं है बाहर। तो ब्लॉग एंड चैनल बनाते हैं। तो वैसे भी टाइम हो गया सोने का गाइस, तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, कुशल नामदेव दिस साइड। अबे क्या बोल रहा हूँ, टाइम हो गया सोने का, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन डोंट डिस्टर्ब योर माता पिता, सिस्टर, बहन, भाई, ब्रदर, फ्रेंड्स, वाइफ। तो बहुत मजाक हो गई गाइस, ऑन अ सीरियस नोट एंडिंग दिस ब्लॉग नाउ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड कुशल नामदेव, सी यू, टाटा बाय।